सेंट कोलंबस। आज हमारा कंप्यूटर में चैप्टर है वर्किंग ऑन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अरेंजिंग ओपनिंग विंडो ऑन डेस्कटॉप, कि हम लोग विंडो को अपने डेस्कटॉप पे कैसे कितने कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कास्केड विंडो, सेकेंड है शो विंडो स्टैक, थर्ड है शो विंडो साइड बाई साइड और फोर्थ है शो द डेस्कटॉप। तो कास्केड विंडो क्या होता है? कास्केड विंडो होता है व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑल द ओपन प्रोग्राम विंडो गेट अरेंज्ड ऑन योर डेस्कटॉप। जैसे कि आप अपने बुक में भी देखेंगे कि कास्केड विंडो पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो जो होती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी फर्स्ट विंडो ये ओपन हुई है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो हमारी कास्केड विंडो क्या होती है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी फर्स्ट विंडो ये है, सेकेंड विंडो ये है, थर्ड विंडो ये है, फोर्थ विंडो ये है। तो कास्केड विंडो का यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है शो विंडो स्टैक। शो विंडो स्टैक का क्या है? व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑल द प्रोग्राम विंडो गेट अरेंज हॉरिजॉन्टली लाइक टाइल्स ऑन योर डेस्कटॉप। तो शो विंडो स्टैक का मतलब होता है कि हमारी विंडो जो क्या जिसको हम लोग ओपन करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक के ऊपर एक रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट विंडो ये ओपन हुई है और सेकेंड विंडो ये ओपन हुई है। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट विंडो ऊपर है और सेकेंड विंडो नीचे है। तो शो विंडो स्टैक का ऑप्शन, शो विंडो स्टैक हमारा इस तरह से यूज़ होता है। सो हमारा थर्ड पॉइंट आता है शो विंडो साइड बाई साइड। तो जब हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो रहती है वो हमारी क्या हो जाती है, साइड बाई साइड हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी फर्स्ट विंडो यहाँ पे है, सेकेंड विंडो यहाँ पे है और थर्ड विंडो यहाँ पे है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फर्स्ट विंडो हमारी पेंट ओपन हुई है, सेकेंड विंडो हमारी कैलकुलेटर ओपन हुई है और थर्ड विंडो हमारी नोटपैड ओपन हुई है। ये यूजुअली हम लोग किसी भी विंडो के डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट आता है शो द डेस्कटॉप। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑल द प्रोग्राम विंडो ऑन योर डेस्कटॉप गेट मिनिमाइज एज टास्क बार बटन एंड द डेस्कटॉप इज कम्प्लीटली विजिबल। तो जब हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास जब हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हम अपने डेस्कटॉप पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इसमें अब हमारे पास ऑप्शन आता है शो द डेस्कटॉप। तो जैसे ही हम लोग इस शो द डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो हमारी सारे विंडो क्लोज होकर हमारा जो मेन डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है वो ओपन हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हमारा लास्ट जो था पॉइंट शो द डेस्कटॉप, वो हम लोग इस तरह से ऐसे यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रीसाइजिंग विंडो। रीसाइजिंग विंडो का मतलब होता है कि जैसे भी हमने कोई भी प्रोग्राम खोला तो हम उसके कोई भी विंडो हमने ओपन करी तो उस विंडो को हम लोग छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे अगर हमने मान लीजिए पेंट खोला तो पेंट को मान लीजिए हमें उसकी स्क्रीन इतने मतलब फुल स्क्रीन ना करके हमें उसकी विंडो को छोटी करनी है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसे ही हमने पहले हम लोग क्या करेंगे, पेंट खोलेंगे, पेंट जैसे ही ओपन होता है फिर उसके जस्ट कॉर्नर पे जाके हम अपने माउस के पॉइंटर को वहाँ पे रखते हैं। तो जैसे ही हम अपने माउस के पॉइंटर को वहाँ पे रखेंगे तो जो हमारे माउस का जो एक उसमें आता है ना, एक तीर तरह का उसमें एक आता है, तो उसमें जो माउस का वो क्लिक का ऑप्शन आता है वो हमारा वहाँ पे जाके टू हेडेड एरो बन जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे हमने विंडो की एच पे जैसे ही हमने माउस को रखा वहाँ पे हमारे माउस के पॉइंटर का इस तरह से पॉइंटर हो जाता है जिसको हम लोग टू हेडेड एरो कहते हैं। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे रखेंगे फिर उसको हम लोग अपने लेफ्ट क्लिक करके उसको जैसे ही हम लोग ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो हमारी जो विंडो की साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है। और अगर हमें उसको बड़ा करना है तो हम लोग वहाँ पे जाके फिर उसको ऐसे ड्रैग करके नीचे करेंगे तो हमारी विंडो की साइज़ क्या होती है, फुल हो जाती है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू। यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू का यूज़ हम लोग क्या स्टार्ट मेन्यू होता है क्या है पहले तो। अब मान लीजिए हमें कोई भी प्रोग्राम या कोई भी विंडो ओपन करनी है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले डेस्कटॉप खोलते हैं,
डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में हमारे पास स्टार्ट का ऑप्शन आता है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑल प्रोग्राम की एक ऑप्शन छोटा सा नीचे लिख के आता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑल प्रोग्राम। तो उस ऑल प्रोग्राम पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे मतलब विंडोज़ की लिस्ट आ जाती है कि आपको कौन सा विंडो ओपन करना है, कौन सा नहीं करना। तो जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है, जैसे कि आप लोग अपने बुक में भी देखेंगे कि हमने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया तो हमारे पास देखिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2001 एंड एक्सेट्रा। तो अब मान लीजिए कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलना है। तो जैसे ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं तो हमें उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई एप्लीकेशन हमें डिस्प्ले करता है। अब मान लीजिए हमें वर्ड खोलना है, तो जैसे ही हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया तो हमारे पास जैसे ही कई ऑप्शन आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मेनू। जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये रेड से आउटलाइन जो किया है ये हमारी क्या होती है, सब मेनू होती है। तो इस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा, अब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलना है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को खोल क्लिक करके अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर। वॉलपेपर क्या होता है आप सबको पता होगा, द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। वॉलपेपर आप लोग जैसे अपने मोबाइल में वॉलपेपर सेट करते हैं तो उसी तरह हम लोग अपने डेस्कटॉप, अपने मॉनिटर के डेस्कटॉप पे भी वॉलपेपर सेट करते हैं। तो वॉलपेपर सेट करने के लिए हमारे पास हम लोग उसे कैसे सेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक स्टेप्स दिए गए हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आएगा कंट्रोल पैनल का। तो कंट्रोल पैनल पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। तो जैसे ही हम लोग अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है पर्सनलाइजेशन। फिर उस पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन आता है। तो जब हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस टाइप के कई सारे पिक्चर्स आ जाते हैं। तो अब आपको इसमें से जो भी पिक्चर सेट करने हैं अपने बैकग्राउंड पे, उस पर हम लोग उस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करने के बाद उस पर वहाँ पर ऑप्शन आता है सेव चेंजेस का। तो जब हम लोग सेव चेंजेस करेंगे, फिर उसके बाद सेव चेंजेस करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेट एज पिक्चर टू द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो जब हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो जो हम लोग उस पिक्चर को जिसको हमें सेट करना है वो हमारा डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे वो पिक्चर हमारी वॉलपेपर के रूप में सेट हो जाती है। अब हमारे पास स्क्रीन सेवर आता है। स्क्रीन सेवर होता है, स्क्रीन सेवर हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ एनर्जी थ्रू द मॉनिटर। अब स्क्रीन सेवर का यूज़ क्यों किया जाता है ये देखिए कि अब जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क करते करते हम लोग क्या करते हैं कि किसी ने मान लीजिए हमें बुला लिया या कोई काम पड़ गया तो हम लोग कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारे मॉनिटर की जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन सेवर को सेट करते हैं। तो स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए हमें क्या, हम उसे कैसे सेट कर सकते हैं, हमारे पास स्टेप दिए हुए हैं। तो पहले ही जैसे हम लोग वॉलपेपर सेट करते हैं उसी तरह पहले हम लोग स्क्रीन सेवर भी सेट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग जाएंगे स्टार्ट पे, स्टार्ट के बाद कंट्रोल पैनल पे, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद डिस्प्ले करके एक ऑप्शन आता है। तो जब हम लोग डिस्प्ले पे जाएंगे तो हमारे पास चेंज स्क्रीन सेवर, द चेंज स्क्रीन सेवर आएगा ऑप्शन करके। फिर उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास द स्क्रीन सेवर सेटिंग करके एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन सेवर सेटिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद आपको जो भी स्क्रीन सेवर अपने डेस्कटॉप पे सेट करना है उस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो आपका जो स्क्रीन सेवर होता है वो आपके डेस्कटॉप पे सेट हो जाता है। फिर आप लोग अगर कहीं भी
कंप्यूटर को खुला हुआ छोड़ के चले जाते हैं तो आपका स्क्रीन सेवर ऑन हो जा स्क्रीन सेवर कुछ सेकंड बाद ऑन हो जाता है, जिससे आपकी मॉनिटर की एनर्जी रिड्यूस होने से बच जाती है। तो अब हम लोग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थिंग्स यू कैन डू बाय राइट क्लिकिंग। राइट क्लिक का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे आ जाते हैं तो उसमें हमारे बहुत ढेर सारे आइकन्स होते हैं, आप लोग भी देखे होंगे जब यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाता है तो आपके डेस्कटॉप पे बहुत ढेर सारे आइकन्स होते हैं। तो अब मान लीजिए उस आइकन के हमें किसी आइकन के नेम चेंज करने हैं, या पूरे आइकन को हमें उसके साइज़ के हिसाब से या अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के हिसाब से अगर सेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी आइकन का नेम चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने अपने नाम की कोई फाइल बनाई तो उसका नाम मैंने नेहल रखा, तो उसका नाम नेहल से चेंज करके सेंट कोलंबस रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस आइकन पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, हमारे पास एक ऑप्शन आता है जैसे कि आप लोग अपने बुक में भी देखेंगे सॉर्ट बाय करके। उस सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास नेम का ऑप्शन आएगा, उस नेम पे क्लिक करेंगे तो नेम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेम चेंज करने का ऑप्शन आता है। फिर उस नेम नेहल की जगह हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सीन कोलंबस करके ओके कर देंगे तो जो हमारे आइकन का नाम है पहले जो नेहल था वो चेंज होके हमारा सेंट कोलंबस हो जाएगा। अब हम आते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो शॉर्टकट का मतलब होता है कि अब जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे बार बार खोलते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट पे जाने के बाद और प्रोग्राम, फिर उसके बाद कई 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 स्टेप्स करने के बाद हम लोग उस प्रोग्राम तक पहुँचते हैं। तो इससे हम लोग का बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट की का यूज़ हम लोग कैसे करें उसके लिए स्टेप्स हमारे पास दिए गए हैं। पहले हम लोग जाएंगे क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे गए, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए हमें पेंट का शॉर्टकट बनाना है तो हम लोग पेंट के ऑप्शन पे गए, पेंट पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेंड टू डेस्कटॉप, सेंड टू का ऑप्शन आएगा तो इसमें आपसे पूछेगा कि आप इसे डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या कहीं और किसी और में करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप। तो उसे सेंड टू डेस्कटॉप करने के बाद वो जो पेंट का आइकन होता है वो आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन के रूप में आ जाता है। फिर आप लोग अगर फिर उसके बाद वो तो आपका अब सेट हो गया, अब आपको अगर जब फ्यूचर में आपको पेंट खोलना है तो आप लोग डायरेक्ट उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट पेंट पे पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास आता है एसेसरीज़। एसेसरीज़ क्या होता है, एसेसरीज़ इज़ द पार्ट ऑफ द स्टार्ट मेनू, इट कंटेन्स सम यूजफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम, सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन दिस मेनू आर पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड और कैलकुलेटर। एसेसरीज़ जो है एक स्टार्ट मेनू का एक पार्ट होता है जिसमें हमारे चार टाइप के एप्लीकेशन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। पहला हमारा होता है पेंट होता है, वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है और कैलकुलेटर होता है। अब मान लीजिए हमें कैलकुलेटर को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद एसेसरीज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर का विंडो ओपन हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।